come on, come on, you can do it. Yeah. Hey, nice. Oh, that's almost across the river. Yeah. हाँ तो रानी खेत से हमारी गाड़ी निकली और हम आ गए हैं वेस्टर्न रामगंगा रिवर में एक छोटी सी जगह में जिसका नाम है मार्चुला और मार्चुला में खास बात क्या है ये ब्यूटीफुल जंगल ये सुंदर खूबसूरत रामगंगा नदी और हमारा फेवरेट कैंप हिमालयन आउटबैक तो यहाँ पर जब आप आएंगे आपको बहुत कुछ करने को मिलेगा लेकिन फेमस है मछलियां मिलती है जो दो सबसे लार्जेस्ट स्पीसीज है जो मैं जानता हूँ एक तो है जो गोल्डन महासि है एंड एक जो है जो गूंज कैटफिश होती है इनफैक्ट यहाँ पे एक पार कहते हैं निन्यानवे

और इसके लिए बहुत टेक्निक चाहिए होती जो मेरे पास है नहीं फिलहाल तो मैं लेके तो आया था सोच के, के लूंगा लेकिन मैं कर नहीं पाया इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा होकर आपको ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आता आता कुछ है नहीं अच्छा अगर कुछ नहीं पकड़ रहा तो यार आई नो प्लेस जहाँ पे पक्का स्नैक्स तो मिलेगी एक बार और खास कर मछली पकड़ी तो चल रहे वापस रेडी रेडी से गुड गुड लक लक ये पास जालो पास है मेरे को लग रहा था पास मच्छी है पूरी नदी में एक पत्थर निकल रहा था टिच करके मारा उसके ऊपर बहुत बहुत है लड़के में

इसी साल तीन टाइगर्स यहाँ पर फीमेल पॉसिबली टू कब्स यहाँ पे दिखते रहे हैं काफी बारी तो डिपेंड्स ऑन योर लक और क्या कर सकते हैं यहाँ पे हमने फिशिंग की बात कर ली हमने ट्रैकिंग की बात कर ली एक और चीज रहती है तू बोलेगा कि मैं बोलू <laughs> कॉटेजेस हैं आप फैमिली के साथ आ सकते हैं यहाँ पे और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं तीसरी वाली एक्टिविटी आप बताइए यस बहुत ही शानदार ये जो पेड़ है पीछे यहाँ पर

और ये तो अभी सिर्फ टी टाइम है डिनर के लिए क्या है <laughs> तो आप सोच सकते हैं अगर स्नैक्स ऐसे हैं तो डिनर और मील्स कैसी होंगी तो ये भी दूसरी चीज़ है जो आप यहाँ पर आए बहुत कंफर्ट फूड बहुत कम्फर्टफुलेक्सड लेकिन हमारी सजेशन ये है कि अगर आप द हिमालयन आउट बैक में आएंगे मार्चुला में और जरूर आइएगा सीजन में आ, शुरू होता है तकरीबन सितंबर अक्टूबर के अंदर और खत्म होगा अभी इस टाइम पर बस अब मई जून के सीजन में खत्म हो जाएगा जब बारिश शुरू होगी Uh, आपको मिल जाएगा बहुत कुछ रिलैक्स करने के लिए चिल करने के लिए फिशिंग सीखने के लिए एंड कोर्स वाइल्ड लाइफ देखने के लिए इफ़ यू डोंट माइंड अब मैं खाऊं और तूने कुछ बोलना तो प्लीज़ तू बोल प्लीज़